बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन इंसारी और आप देख रहे हैं लाहौर फूड। आज हम फिंगर चिप्स बनाएंगे, वो भी नए अंदाज से, क्योंकि मीठी बनाएंगे हम आज। यहां पे जी दो आलू मैंने लिए हैं जिनको मैंने उबाल लिया है, और इसको हम मिक्सर से करेंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने मैच कर लिया जी इनको, और यहाँ पे टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पे ये चावलों का आटा है मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून है, शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और साथ में ही कौन ये चीनी है मेरे पास जो पीस के मैंने पहले रखी हुई है, ये 3 टेबल स्पून है, शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कॉर्नफ्लावर ये भी 1.5 टेबल स्पून है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा है, 1/2 टीस्पून से भी कम है, बिस्मिल्लाह। और इस मौके पे आके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लेंगे जी, इस तरीके के साथ स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको हम बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेल लेंगे, अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे जी, और साइडों से थोड़ा हाथ की मदद से आप, ताकि एक जैसा बने। अच्छे तरीके से इसको जी शेप दे लेंगे, ताकि काफ़ी अच्छी हमारी फिंगर चिप्स बने। और यहाँ पे बिल्कुल इसका जो ज़्यादा यानी कि मोटी नहीं है, ना इतनी पतली है, किसी पिज़्ज़ा कटर से या किसी छुरी की मदद से आप इसको बहुत आराम से काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साइज़ मैंने बनाना है, सारी इसी तरह मैं काट लूँगा, बहुत ही आराम से ये कट जाती हैं, आप देख सकते हैं। और सारी मैं इस तरीके के साथ बना लेता हूँ। बहुत ही आराम से ये बन जाती हैं, सारी इसी तरीके के साथ मैं बना लूँगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं देखने वाले, उनको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द जल्द पहुँच सके। यहाँ पे सब की सब मैं तैयार कर चुका हूँ जी फिंगर चिप्स, और यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर मैं घी रख दिया मैंने, क्योंकि हम घी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा इसका जायका आएगा। जैसे हमारा घी गर्म होता है तो हम इसको फ्राई करते हैं। घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो एक एक पीस करके डालेंगे, क्योंकि कट्ठे ये ज़्यादा बहुत नाजुक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो तैयार हो जाएंगे उनको निकाल लेंगे,
तो बीस से मिल जा रहा है हमारा। तो इसी तरीके के साथ सारे मैं यहाँ पे निकाल लूँगा फिंगर चिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही टेस्टी हो गई जी। मैं क्लोज से डिश आउट करके दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है आज की हमारी रेसिपी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों अजीज़ों और फैमिली मेम्बर के साथ। और मिलते हैं इसी तरह किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। और यासीन सारे को दें इजाज़, अल्लाह हाफिज़।